भारतीय कैलेंडर के अनुसार नववर्ष का आगाज 1 जनवरी से नहीं बल्कि चैत्र मास के शुक्ल प्रतिपदा से नव संवत्सर का आरंभ होता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अक्सर मार्च अप्रैल माह में आता है। हिंदू नववर्ष यानी संवत 2081 इस वर्ष 9 अप्रैल यानी मंगलवार से शुरू होने जा रहा है। शास्त्रों में कुल 60 संवत्सर बताए गए हैं। हिंदू नववर्ष को लेकर आचार्य पंडित प्रकाश जोशी ने लोकल 18 से खास बातचीत के दौरान बताया कि नववर्ष के प्रथम दिन के स्वामी को उस वर्ष का स्वामी माना जाता है, अतः इस बार मंगल राजा होंगे। भारतीय हिंदू कैलेंडर की गणना सूर्य और चंद्रमा के अनुसार होती है। दुनिया के तमाम कैलेंडर किसी न किसी रूप में भारतीय हिंदू कैलेंडर का ही अनुसरण करते हैं। ये हमारा नववर्ष जो है सनातन हिंदू धर्म के अनुसार हमारा नववर्ष मार्च और अप्रैल में से प्रारंभ होता है। इस बार यह 9 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होगा नव संवत्सर। लोग ज़्यादा अक्सर 1 जनवरी से नया वर्ष मानते हैं, लेकिन जो हमारा हिंदू धर्म का जो हिंदू नववर्ष है यह अप्रैल माह से ही प्रारंभ होता है। इस बार 9 अप्रैल 2024 से नव संवत्सर प्रारंभ होगा। यह विक्रम संवत कहलाता है। राजा विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी। उज्जैन नगरी मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई है। इस बार जो है कालयुक्त नामक नव संवत्सर है, जिसमें जो है एक 13 दिन का पक्ष भी पड़ रहा है और इसके कई राशियों में जो है इसका असर भी देखने को मिलेगा। जब यदि राशियों की बात करें तो इस वर्ष जो मेष राशि वालों के लिए जो वर्ष के प्रथम मास में भय एवं कष्ट तत्पश्चात गुरु की कृपा दृष्टि से नवीन तथा रुके हुए धन लाभ से जो मार्ग प्रशस्त होंगे और भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। इसके बाद यदि वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वालों का वर्ष सामान्य फलदायक होगा। पारिवारिक समस्याओं से भी जूझना पड़ेगा इन लोगों को और एकादश राहु समय समय पर वित्त प्राप्ति इनको कराएगा। वृश्चिक राशि वालों का वर्ष शनि की ढैया से प्राय वर्ष भर प्रभावित रहेगा। मकर राशि वाले शनि की 6.5 के प्रभाव से 29 मार्च 2025 तक प्रभावित रहेंगे। कुंभ राशि वालों का वर्ष सामान्य फलकारक होगा। प्रियजनों से दूरी बढ़ेगी यदि अंत में अगर और यदि विश्व संक्रांति की बात करें तो विश्व संक्रांति इस बार क्योंकि ये 3 नक्षत्रों में जाती है, कुल 27 नक्षत्रों में से, तो इस बार आर्द्रा पुनर्वसु और तिश्य नक्षत्र में विश्व संक्रांति इस बार उस बाएं पैर में गई है जो मिथुन और कर्क राशि इन 3 नक्षत्रों के अंतर्गत आती है। नैनीताल से तनुष पांडे की रिपोर्ट।